Hey guys, this is Jayesh and welcome back to the my YouTube channel. तो आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं खुनिया महादेव वाटरफॉल जो कि वडोदरा से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ है और पावागढ़ के ऊपर मानसून के सीजन में जब बारिश का पानी जमा होता है तो वो एक वाटरफॉल के रूप से नीचे गिरता है और उसे खुनिया महादेव वाटरफॉल कहते हैं। वडोदरा से 55 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आया हुआ एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन जिसका नाम है पावागढ़ और पावागढ़ के अंदर है एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल जिसका नाम है खुनिया महादेव वाटरफॉल। तो मेन रोड से खुनिया महादेव वाटरफॉल जाने के लिए आपको 45 मिनट से एक घंटे का समय लग सकता है और ये घने जंगलों से होते हुए आपको अंदर जाना है। मानसून में पावागढ़ विजिट करने का एक अलग ही मजा रहता है क्योंकि आप यहां देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ पेड़ पौधे और एक्सपीरियंस कर सकते हो ये ब्यूटीफुल नेचर। तो खुनिया वाटरफॉल एक ऐसा वाटरफॉल है जो कि मानसून में ही एक्टिव होता है और बारिश में ही एक्टिव होता है। अगर 2-3 दिन से बारिश हो रही हो और आप जाते हो तो आप एक अच्छा वाटरफॉल देख पाओगे, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप जाओगे तो शायद वाटरफॉल बंद भी हो सकता है, लेकिन हाँ नेचर का मजा आप जरूर ले सकते हैं। तो करीबन 30 मिनट के ट्रैक के बाद आता है एक पुराना गेट जो कि इतना खूबसूरत लग रहा है तो सोचो कि जब ये बना होगा तो कितना भव्य होगा। तो ये गेट से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो रास्ते के पैरेलल एक पानी का झरना बहता है और ये झरने को देख के खुनिया महादेव वाटरफॉल देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। तो वाटरफॉल जाने के रास्ते पे एक मंदिर आता है जिसका नाम है खुणेश्वर महादेव मंदिर और ये वाटरफॉल का नाम इसी मंदिर से रखा गया है। तो आप जब भी यहाँ आते हो तो ये मंदिर की विजिट जरूर करनी चाहिए। तो भगवान शिव के मंदिर में हम गए, दर्शन किए, कुछ समय बिताया और फिर निकल पड़े खुनिया महादेव वाटरफॉल की ओर जो कि यहाँ से 10-15 मिनट के ट्रैकिंग डिस्टेंस पे था।
ये है पावागढ़ की ऊंचाई से गिरता हुआ खुनिया माते वाटरफॉल और यहाँ से दिखता है एक अद्भुत नज़ारा। ये वाटरफॉल इतनी ऊंचाई से गिरता है कि पानी नीचे आते आते छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है। मानसून के मौसम में ये वाटरफॉल पावागढ़ की सुंदरता को और भी बढ़ा देता है और इतनी ऊंचाई से गिरते ये वाटरफॉल को देखना सही में एक अनोखा अनुभव है। सो नाउ लेट्स हैव सम ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स ऑफ दिस प्लेस। सो गाइस, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत जल्दी से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।